नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, आलिया भट्ट बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली हीरोइनों में से एक हैं। वैसे तो आलिया भट्ट के बारे में कहा जाता है कि वो स्टार किड हैं और बचपन से उन्हें फिल्मी माहौल में रहने का मौका मिला, इसीलिए वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रख दिया था और मात्र 6 साल की उम्र में संघर्ष फिल्म में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बचपन का किरदार निभाया था। वो एक्ट्रेस कौन है दोस्तों, अभी बताते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं आलिया भट्ट के जीवन से जुड़ी कुछ और खास बातें। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ। इनके पिता महेश भट्ट तथा चाचा मुकेश भट्ट, जो कि एक जानी मानी बॉलीवुड हस्ती हैं और बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर निर्माता और निर्देशकों में से एक हैं। माँ सोनी राजदान एक जानी मानी अभिनेत्री तथा एक फिल्म निर्देशक हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। आलिया भट्ट की एक बड़ी बहन है जिसका नाम शाहीन है। पूजा भट्ट, राहुल भट्ट, इमरान हाशमी और मोहित सूरी जैसी बॉलीवुड हस्तियाँ भट्ट परिवार का हिस्सा है और आलिया भट्ट के कजन्स हैं। आलिया भट्ट खाने की बहुत शौकीन है और इसी शौक की वजह से वो बचपन में बहुत मोटी हुआ करती थी। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कम से कम 400 लड़कियों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से आलिया भट्ट भी एक थी। आलिया भट्ट के सामने ये शर्त रखी गई कि यदि वो वजन कम कर ले तो उनको फिल्म में रोल मिल जाएगा। इस फिल्म में आने से पहले आलिया भट्ट ने लगभग 15-16 किलो वजन कम किया। हाँ तो दोस्तों, हम क्या कह रहे थे, याद आया। कहते हैं जिस दिन बॉलीवुड में छोटा सा ही रोल मिल जाए उस दिन से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत हो जाती है। देखा जाए तो आलिया भट्ट के करियर की शुरुआत बहुत ही जल्द हो गई थी। संघर्ष फिल्म तो आपको याद ही होगी दोस्तों, ये फिल्म 1999 में आई थी जिसमें प्रीति जिंटा के बचपन का रोल उन्होंने बखूबी निभाया था। और फिर जब आलिया भट्ट बड़ी हुई तो उन्होंने एक फिल्म की स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसके प्रोड्यूसर थे करण जौहर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म सन 2012 में आई थी, जिसमें आलिया भट्ट ने शनाया सिंघानिया का एक मेन रोल किया। वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा इनके को स्टार थे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही दोस्तों। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले दोस्तों। आलिया भट्ट का नाम बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट में था। ये आलिया भट्ट का टीन एज रोमांस वाला रोल था। फिर आई हाईवे। ये फिल्म सन 2014 में आई, जिसमें उन्होंने वीरा त्रिपाठी के रोल में मेन रोल प्ले किया था। ये रोल इतना बखूबी आलिया भट्ट ने निभाया कि हर किसी ने इस रोल को सराहा। इस रोल के लिए आलिया भट्ट को फिल्म फेयर में क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये था आलिया भट्ट का गंभीर सिनेमा वाला रोल। टू स्टेट्स चेतन भगत का एक नॉवल था, जिस पर ये फिल्म सन 2014 में बनाई गई। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने अनन्या स्वामीनाथन नाम की लड़की का मेन रोल किया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें उनके को स्टार अर्जुन कपूर थे। ये था आलिया भट्ट का परफेक्ट रोमांटिक रोल। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ये फिल्म सन 2014 में आई। दोस्तों, ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें इन्होंने काव्या प्रताप सिंह का रोल निभाया था। इसमें इनके को स्टार वरुण धवन थे। बड़ी मजेदार फिल्म थी दोस्तों, ये आलिया भट्ट की कॉमेडी फिल्म कही जा सकती है। उड़ता पंजाब ये फिल्म सन 2016 में आई। ये एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म थी जिसमें आलिया भट्ट ने बिहारी नंदा का रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट शाहिद कपूर, करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ इनके को स्टार थे। इस फिल्म को 4 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें आलिया भट्ट को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के बाद से आलिया भट्ट बॉलीवुड में पूरी तरह से सेटल हो गई और फिर तो उसके बाद उन्होंने फिल्मों की वो झड़ी लगाई कि हर फिल्म सुपरहिट, हर फिल्म सुपरहिट। कहते हैं कुदरत में अनेकों रंग होते हैं और आलिया भट्ट जैसे जैसे फिल्में करती जा रही हैं, हर बार वो एक अलग ही रंग में नजर आती हैं। मतलब जितनी बार आलिया भट्ट फिल्मों में नजर आई उतनी ही बार उनका एक अलग ही किरदार नजर आया। और आजकल आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र, 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही कलंक, करण जौहर की तख्त में भी नजर आएंगी। तो बस दोस्तों, आलिया भट्ट को हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि आप यूं ही बेमिसाल किरदार निभाती रहें और सबको एंटरटेन करती रहें। और हाँ, एक बात तो भूल ही गए, हैप्पी बर्थडे आलिया भट्ट।